ये जो प्रयोग किया हम लोगों ने महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल का, अभी एक बच्चे ने कहा कि मैं 3 साल पहले पढ़ता था प्राइवेट स्कूल के अंदर, तो 50,000 रुपये फीस लगती थी। यहाँ फ्री पढ़ाई हो रही है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, स्मार्ट क्लास तक यहाँ पर है, आप सोच सकते हैं कि एडवांस पढ़ाई यहाँ हो रही है। तो ये एक मॉडल स्कूल है, करीब 2,000 स्कूल है राजस्थान में चल रही हैं इंग्लिश, उसके अंदर करीब 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग की पढ़ाई हो रही है और बहुत अच्छा नाम हो रहा है, बहुत अच्छा प्रयोग है। 10-12 साल बाद आप देखेंगे यहाँ के बच्चे जो है अभी भी अपने बात इंग्लिश में कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ हिंदी, हम तो बचपन में हिंदी पढ़े हुए हैं, इंग्लिश के खिलाफ थे, उस वक्त माहौल यही था, आज माहौल बदल गया है, आज तो इंटरनेट मोबाइल फोन सब कुछ आ गए हैं, तो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ आईटी के अंदर भी और जगह पे वो अपना नाम नंबर 2। अभी जो जाके कैसी मंडी में जाके हम लोग, तो भी सब शिकायत करें किसान लोग भी कि जो पाम ऑयल जो इंपोर्ट किया गया 90 लाख टन, उसके कारण से बर्बाद हो रहा सरसों का पूरा जो स्कोप है यहाँ पर, जो फैक्ट्री लगी सरसों के तेल की वो बंद होती जा रही है क्योंकि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी ख़त्म कर दी। पाम ऑयल जो इंपोर्ट किया गया उससे किसान बर्बाद हो रहा देश का, और क्योंकि पूरे देश के अंदर सरसों जो है सबसे अधिक राजस्थान में बोई जाती है, तो राजस्थान के किसान तो बर्बाद पूरी ढंग से हो रहा है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। भारत सरकार को इसके बारे में इंटरवीन करना चाहिए कि क्यों किया पाम ऑयल को। दूसरा भी बता रहे थे कि सरसों के साथ में जो आपका नरमा है गंगानगर साइड के अंदर, नरमे की और सरसों की कीमतें बहुत डाउन हो चुकी है, MSP से भी और वैसे भी खरीदारी नहीं हो रही है, तो जो अभी महंगाई के दौर चल रहा है उसके अंदर ये जो और स्थिति है ये और ज़्यादा तकलीफ दे रही किसानों को, उस पर ध्यान देना चाहिए।